अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हज 2022 के ताल्लुक से आप तमाम के सामने लेकर आया हूँ। वो ये है कि दरमियान में जो हज की जाने की एप्लीकेशंस थी, उन एप्लीकेशन की तारीख को जो है कम कर दिया गया था या रोक दिया गया था, या जितना था उनका कोटा बंद कर दिया। लिहाजा अभी जो हजरात हज को जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जो हजरात हज को जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तारीख को बढ़ाकर सऊदी गवर्नमेंट ने 22 अप्रैल यानी मजीद और 10-12 दिन के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। लिहाजा जो हजरात हज को जाना चाहते हैं और वो जिनके, और एक बात यह है कि इतना कम ड्यूरेशन है तो ये भी बात थोड़ा ध्यान में बिठा लें कि उनके पासपोर्ट बिल्कुल रेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पासपोर्ट जो है रिन्यूअल है, इस किस्म के अगरचे और भी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन के काम हो जाए तो दुश्वारी होगी। लिहाजा जिनके डॉक्यूमेंटेशन रेडी है और पासपोर्ट जिनके रेडी है और जो हजरात जो है हज को जाना चाहते हैं, वो हमारे पास आकर यानी यतीम खाना निस्वान अशोका रोड वेस्ट क्रॉस में आकर जो है आपके मजीद तफसीलात भी मालूम कर सकते हैं और ऑनलाइन आपके हज एप्लीकेशन फॉर्म भी वहां से भर सकते हैं। तो लिहाजा 22 अप्रैल 2022 जो है इसकी आखिरी तारीख है, मतलब और मजीद एक 8-10 दिन हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं हज को जाने वाले हजरात से या इससे ख्वाहिश रखने वाले हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि आप 5 बजे से लेकर 6 बजे तक इन खाना निस्वान में गुरुद्वारे में आप तशरीफ लाएं। इंशाल्लाह आपके अंदर हज की ऑनलाइन फॉर्म है तो उसको भी भर्ती कर कर आपको मजीद जो जो तफसीलात देनी पड़ेंगी, आपको इसके ताल्लुक से जो कुछ आपको हम आसानी फराहम करना है वो इंशाल्लाह आपको कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम।